बढ़िया, बहुत बहुत तेज चल रहे हैं लौंडे। गेमर ही दिखे यार कोई। तो वेलकम डीटी आर्मी, क्या हालचाल है आप सभी के कमेंट में जरूर बताना। वैसे बात करें आज के गेम प्ले वीडियो की, तो इसके अंदर आप दो गेम प्ले देखने वाले हो जो कि दोनों रैंडम्स के साथ होने वाले हैं। लेकिन आज आप लोग कुछ ऐसा भी देखने वाले हो जिसको देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। मेरा तो बदल गया इस गेम के बाद, आपका भी बदल जाएगा। अब ऐसा क्या सीन होता है वो तो वीडियो को एंड तक देखोगे ना तभी पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ऑटो मैचिंग ऑन करके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सारे रैंडम्स आते हैं और यहाँ पे इनकी बातें सुनना, रिएक्शन भी अच्छे हैं, गेम प्ले भी काफी खतरनाक है, 1v4 क्लचेस भरे हैं इसके अंदर। ए गावरे लवरे गरीब तू गरीब काम तो सावनी लवड़े लवरे गरीब है तू गरीब। ये सब क्या सुनना पड़ रहा है यार। अच्छा था मेरी आरपी पहले मैक्स नहीं हुआ करती थी, बस 10-20 आरपी हुआ करती थी। जब से आरपी 50 हुई है तब से एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसके अंदर मैंने गाली नहीं सुनी। तो यहाँ पे यार अब क्या बोले, अपार्टमेंट उतरते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं आता, मतलब एक दो बोट आते हैं, इनको मार के हम लोग सीधा आते हैं रोजोक की तरफ, जहाँ पे सामने कुछ बंदे दिखाई देते हैं। भाई ये बंदा मार कहाँ से रहा है, फटाफट पड़े जा रही गोली। इतना तो मैं कंफर्म हूँ कि बंदा टावर पे नहीं चढ़ा है, नीचे से ही कहीं से मार रहा है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। तो स्मोक करके अपने टीममेट को बचा लेता हूँ। उतनी ही देर में नंबर 2 और नंबर 4 जाके मर जाते इन बंदों से। तो अब मैं भी रश करता हूँ बदला लेने के लिए। तो रैंडम टीममेट्स का बदला यहाँ पे पूरा हुआ, दोनों बंदों को मैंने मार दिया, मतलब कि पूरी टीम थी ये, दो पीछे मारे दो यहाँ पे मारे। यहाँ पे एक नंबर पता नहीं क्यों खुद को फोड़ लेता है, शायद से खेलना नहीं होगा भाई को, चले जाते मैं अकेला रह जाता हूँ। अब जाता है मैच पूरा सोलो विस्कोट का। अभी जो आपने देखा उसके बेसिस पे एक राय है मेरे पास आपके लिए, जिंदगी में गेम के अंदर कभी भी ग्लाइडर मत उठाना वरना ऐसी ही पेटी बनेगी। तो यहाँ पे इन भाई को मारने के बाद मैं जैसे ही इधर आता हूँ तभी मेरे को एक यूएस दिखाई देती है। तो सामने जो छोटा घर है उसके अंदर कुछ बंदे थे, वो राइट की तरफ से घेर रहे थे मेरे को। मेरे इंटरनेट को इसी टाइम पे नशे करने हैं।
तो यहाँ पे हो चुका है खतरनाक सा 1v4 क्लच। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, साउंड सेंस प्लस पेशेंस दोनों मैंने रखा और यहाँ पे पूरी टीम की बेटी बना दी। उसके बाद इमोट कर रहा था बस ऐसे स्टाइल मारने के लिए। तो यहाँ पे गाइज आपको कैसा लगा लाइक कर देना अगर मजा आया हो तो, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। अब वहां से निकल के मैं इधर आता हूँ, तभी रोजोक की पहाड़ी पे कुछ बंदे स्पॉट होते हैं और वो बंदे मेरे को देख लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इस घर पे ले लें, दूरी रहेगी थोड़ी, अगर उनने रश कर दिया तो और अच्छी बात हो जाएगी। ये जो सीन हुआ मेरे को लगा था अपने DTR में होगी, जो कि मेरे को पहचान गई होगी, नाम देखा होगा इतनी देर से किल फीड में और लेम्बो देख के ऐसा पहचान गए होंगे कि DT भाई है। तो मैं यहाँ पे फायर देते देते देखा कि यार ये कूद रहे हैं, तो मैं रोक देता हूँ फायर, और उतनी ही देर में जैसे ही रोकता हूँ मेरे को पट से डुबले में पड़ता है। मतलब फिर मेरे को समझ आता है कि वो तो एक स्कैम था, ट्रैप था। लेकिन टेंशन मतलब अगर आप लोग मिलोगे तो मैं मिल लूंगा अच्छे से। तब आते दूसरे गेम प्ले में जो कि फिर से होता है रैंडम्स के साथ में, वही ऑटो मैचिंग ऑन करके मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। गरीब अंबानी भाई, अंबानी तो अमीर है, गरीब ना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अंबानी तो पूरे देश का नाश कर रखा है, तू कह रहा गरीब। ओहो गरीब अंबानी हमारे साथ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, गरीब अंबानी प्लेन बारा यूँ कह रहा मैं गरीब हूँ। अबे दिखाना जा रहा है कि मैं गरीब हूँ पर लॉजिक कुछ उल्टा है। भैया अमीर अमानी ने अमीर को मार दिया। जोनाथन तो नहीं है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है कि कोई भी बंदा हॉट ड्रॉप पे आना पसंद नहीं करता। आई डोंट नो कहाँ जाते वो लोग, अरे इंग्लिश बोल दी, तो मतलब कहाँ जाते नहीं समझ आता, तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लैम्बोर्गिनी में मुझे भी बिठा लो, अब अन लग रही इसमें बग्गी हवा तो लग रही थी मुझे, तो मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम तो ये है। Let's go! Let's go! आराम से चले यार, साथ साथ हवा लेते लेते चलेंगे। Watch out! Watch out! Watch out! एक नीचे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है। हाथ रखियो, हाथ रखियो, हाथ रखियो। I'm really sorry. चलो आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी गन है जो कि क्लोज रेंज और मिड रेंज में काफी खतरनाक साबित हो रही है कुछ टाइम से। मारा दो नंबर में, मैं सोच रहा इन्हें कई सारे मार दी, मेरे में ग्लिच हो रहा है कुछ। गरीब भाई नहीं मारे हैं, छे awesome. Awesome. कोई नहीं गरीब भाई, रिकॉल कर देना। ओके ओके ये तो भाई अच्छा खेल रहा है, बढ़िया, बहुत बहुत तेज चल रहे हैं लौंडे। गेमर ही दिखे यार कोई। अब यहाँ पे इन बंदों को मारने के बाद रिएक्शन थोड़े अच्छे आए थे, खेलने मजा भी आ रहा था। अब जैसे इधर आता हूँ तभी पता चलता है कि स्क्वाड हाउस के अंदर कुछ बंदे हैं, तो वही हर बार की तरह वाली ट्रिक करता हूँ। I'm recalling a teammate. Thanks, thanks. Watch out! Watch out! तो इस वाले घर में जितने भी बंदे थे सबको हमने मार दिया, फिर टीममेट्स को रिकॉल कर देते हैं और हमारे आगे और पीछे वाले घरों में बंदे आ जाते हैं। Watch out! Watch out!
Watch out! Watch out! तो जिस टीम ने हम पेरश किया था उस टीम को हमने मार दिया। और हाँ गाइस, आप लोग ये बताओ कि 50 आरपी का आउटफिट आपको कैसा लग रहा है, ये जो पहना है मैंने, मेरे को तो अच्छा लगा। आप लोग अपनी राय कमेंट में बताओ। खैर, यहाँ से निकल के हम लोग जैसे ही इधर आते हैं, सामने गिली शूट वाला बंदा दिखाई देता है। Watch out! अबे सबके पास बगी, लगता है कोई ये बगी गैंग थी, इनको हमने मार दिया। उसके बाद हम लोग घूम रहे थे बंदे ढूंढने के लिए, जैसे ही इधर आते गाड़ी दिखाई देती है और कुछ बंदे भी होते यहाँ पे। अभी आपको ध्यान से साउंड सुनने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, हमने दो बंदे मार दिए, फिनिश कर दिए। उसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना हेल्थ लगा ली जाए। तभी भाई ये बंदा मेरे बगल में ही लेटा था। सोचो, ये अगर मेरे को कुछ मतलब अभी मेरी पेटी डाल देता तो गन निकाल के, ये तो अच्छा हो मेरे को मोली की साउंड आ गई। भाई मोली कुक करके मेरे टीममेट के ऊपर फेंक रहे थे। तो इसी के साथ हो जाता है विनर विनर चिकन डिनर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। वीडियो देख के आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको लगता है कि हम सपोर्ट डिजर्व करते हैं तो प्लीज वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब कर ले इस वाले चैनल को। और दूसरे चैनल पे अपन ने एक वीडियो डाली थी कल गेम प्ले वाली, जिन्होंने नहीं देखी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से वो वीडियो भी देख लो, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, मजा आ जाएगा वो देख के भी। तो चलो मैं अभी चलता हूँ, कल मिलते किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखना गाइज। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।